हेलो एवरीवन, मैं अमित जुनेजा आप सब लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सब लोगों को एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जो अभी प्री लोन स्टेज पर है और आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये लॉन्च होने वाला है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली DLF का रहेगा और ये सेक्टर 77 में आने वाला है। इसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो मुझे DLF से मिली है वो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर भी करने वाला हूँ। बट उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये बेसिकली मिड साइज सेगमेंट का प्रोजेक्ट लाने वाले हैं इसके अंदर और ये सेक्टर 77 में लोकेटेड होने वाला है। इसके अंदर जो है टोटल लैंड बैंक अप्रोक्सीमेटली 65 एकड़स के आसपास होगी और जो ये फेज 1 के अंदर 28 एकड़स के आसपास ये लॉन्च करने वाले। टोटल इसके अंदर ये 700 से 800 यूनिट्स फ़िलहाल फेज 1 के अंदर लॉन्च करेंगे जिसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 12,000 से 14,000 रुपये स्क्वायर फिट होने वाला है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली बहुत ही अच्छा बन के आने वाला है और DLF अपने जो है कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी के बारे में वैसे ही आपको पता है काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये प्रीमियम सेगमेंट का प्रोजेक्ट होगा। इसके अंदर साइज़ आपको बेसिकली 3200 से लेके 3500 स्क्वायर फिट का दिखेगा और फिलहाल अभी इसके अंदर 4.5 BHK का साइज़ ही आने वाला है। अदर कम साइज़ जो है अगर आप देख रहे हो इसके अंदर तो वो अभी फ़िलहाल DLF ने कोई इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि ये छोटे साइज़ भी लेकर आएंगे इसके प्रोजेक्ट के अंदर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर 80% का आपको ग्रीन एरिया भी देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी अच्छी बात है और आने वाले दिनों के अंदर जो है ग्रीन एनवायरनमेंट जो है हम लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, हमारे जो है हेल्थ के लिए भी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर इस प्रोजेक्ट में 80% ग्रीन एरिया आता है तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट अच्छा बन के आने वाला है। और इसके अंदर जो है आपको 3 साइड ओपन अपार्टमेंट्स भी देखने को मिल जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इसके अंदर क्लब जो है आपको 1 लाख स्क्वेयर फिट से अबव ही साइज़ देखने को मिलेगा जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा बन के आएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट तो। और अब जो है कंपनी इसके अंदर फ़िलहाल EOI ले रही है। अगर कोई इंटरेस्टेड है इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन फर्दर चाहता है या साइट विज़िट करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपसे इसके रिगार्डिंग शेयर भी कर लूँगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे लोकेटेड है। SPR से देखोगे तो भी अप्रोक्सीमेटली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। NH8 पे जो है 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। क्लोवर लीफ से जो है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको देखने को मिल जाता है। और अगर यही आप जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करते हैं तो वहाँ से अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने को मिलेगा। लोकेशन वाइज क्वालिटी वाइज DLF का कोई कंपैरिजन नहीं है और प्राइस भी काफ़ी अच्छा लेके आने वाले हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।